गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 11 का 9 चैप्टर दैट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज और एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। बोला किसी जीपी की फर्स्ट टर्म ए है और एन पोजीशन पे कोई टर्म है वो बी है। यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू ए है और एन पोजीशन पे कोई टर्म है उसका वैल्यू बी है। बोल रहा है इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। बोला उस जीपी की जो एन टर्म्स तक है, एन टर्म्स तक का जो प्रोडक्ट आप करेंगे वो कितना आता है पी। मतलब सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो एन नंबर तक की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो तो वो आता है पी। आपको प्रूफ करना है कि जो पी स्क्वायर होगा वो ए इंटू बी टू द होल पावर एन के बराबर होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं जो सबसे पहले अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो सबसे पहले हमें अज्यूम करनी पड़ती है एक जीपी। तो जीपी का फॉर्मेट होता है ए इंटू ए आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर जो ए स्मॉल आर है वो पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है, इक्वेशन में दे रखा है। तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे ना लेकर के इसको ऐसे मान लीजिए ए टू ए आर ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कॉमन रेशियो कितना है, हो जाएगा किसी भी टर्म को उसकी पहली वाली टर्म से डिवाइड कीजिए, कॉमन रेशियो आ गया हमारे पास कितना आर। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। बोल रहे हैं इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज ए, फर्स्ट टर्म का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू कितना दे दिया है ए। भैया फर्स्ट टर्म है ये तो हमने अज्यूम करी और उसने बोला इसका जो वैल्यू है वो कितना है ए है और जो n पोजीशन पे जो टर्म है उसका वैल्यू b है। अब आपको पता है बच्चों किसी भी टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला होता है जीपी में वो क्या होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। और यहाँ पर हमने जो सीरीज ली थी वो कैपिटल में ली थी इसलिए a की जगह पे भी a लिख दीजिए, r की जगह पे कैपिटल R और n की जगह पे तो उसने खुद ही बोला है कि nth टर्म तो वो n ही होगा। और उसने बोला ये जो वैल्यू है वो कितना है b, nth पोजीशन पे जो टर्म है तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा उसकी वैल्यू है b। ठीक, तीसरी बात कहता है एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो ये जो gp हमने अज्यूम करी थी बच्चों इसकी n टर्म्स तक को आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो मतलब वो कह रहा है कि जो gp है जैसे ये a टू ar टू ar स्क्वायर इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए कहाँ तक n टर्म्स तक तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है कितना p। ठीक है, तब हमको ये प्रूफ करना है। तो ये जो तीनों कंडीशन हमें गिवन थी वो तीनों को हमने रख के सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करते आगे क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो वैल्यू हमारे पास आया इसको हम और सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये तो ऐसा चलता जा रहा है। ठीक है, कहां तक एन टर्म्स तक और ये जो आर है पीछे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, आर जो है आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू आर टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू कहां तक। अब देखिए बच्चों ये कहां तक चल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों टर्म मिलके एन टर्म्स तक जानी थी। ठीक है, तो किसी भी जीपी में आप देख रहे हैं पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म भी ए है, तीसरी टर्म भी ए है, यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ए की पावर में, सारी टर्म्स में ए जो होता है वो तो 1 पावर में ही होता है। लेकिन आर में देखिए आर जिस नंबर पे होगा उससे जस्ट एक कम पावर में होगा। जैसे देखिए
ये सेकंड पोजीशन पे है तो यहाँ पे पावर वन है, या फर्स्ट पोजीशन पे है तो यहाँ पे पावर जीरो था इसका, ये थर्ड पोजीशन पे तो पावर टू है। इसका मतलब अगर हम एंड टर्म्स तक जाएंगे, सपोज करो एंड टर्म्स का मतलब जैसे मान लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक जीपी लेते हैं हम लोग, तो मान लीजिए उसमें आखिरी टर्म हम ऐसे ले लेते हैं ए आर स्क्वायर AR4 AR3 आखिरी ये मतलब हमने फाइनाइट जीपी ले ली और इसका आखिरी टर्म कितना है हमारे पास AR3। तो अब देखिए 1 2 3 4 ए में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो फोर्थ पोजीशन पे फिफ्थ पोजीशन पे सब में पावर कितना आ रहा है, वन आ रहा है, लेकिन जो आर है वो उस पोजीशन से ठीक एक कम पर है, यानी पोजीशन कौन सी है इस टर्म की फोर्थ, लेकिन आर का वैल्यू कितना है 3। इसका मतलब जो पोजीशन है उसमें से एक कम हो रहा होगा। तो अगर ये आर nth टर्म तक जा रहा है इसका मतलब आर का वैल्यू कितना कहां तक जा रहा होगा, आर का वैल्यू कहां तक जा रहा होगा n-1 टर्म्स तक, कहां तक जा रहा होगा n-1 टर्म्स तक। समझ रहे हैं आप, यहां पे जो टर्म का जो वैल्यू था उसने हमें खुद ही कहा था क्वेश्चन में कि n टर्म्स तक का प्रोडक्ट, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो n टर्म्स का प्रोडक्ट तो a में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो n तक ही जाता है, n तक क्या जाता है मतलब वो कहीं तक भी जाए उसमें की पावर तो 1 ही होनी है, लेकिन जो r है वो जहां तक जाता है पावर में उससे ठीक एक कम होता है। तो यानी n माइनस वन टर्म तक तो नहीं बोलूंगा मैं, टर्म तो पूरी n ही जानी है, लेकिन जो उसकी पावर होगी वो n माइनस वन को रिप्रेजेंट करेगी। समझ रहे हैं आप, यानी टर्म तो ये n तक ही जा रही है, r का वैल्यू भी भाई जाना तो उसने n तक ही है, लेकिन r जो काउंट होगा वो n तक काउंट नहीं होगा, वो तो n माइनस वन तक काउंट होगा। मतलब अगर मैं r की वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो वो फोर्थ टर्म के लिए r की वैल्यू फोर्थ थोड़ी ना होगी पावर में, अगर फिफ्थ टर्म की बात करूंगा तो r की वैल्यू यानी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और 6 के लिए 5 हो जाएगी। तो यानी जिस टर्म तक के लिए मैं बात कर रहा हूँ उसे ठीक एक कम r की पावर होगी। ठीक है, तो यानी a का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, a की पावर, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपने हमने भी पढ़ा था कि बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यानी 1+1+ एंड सो ऑन अप टू, इसने तो जाना है कहाँ तक, n टर्म्स तक। भाई a की पावर, a की वैल्यू n टर्म्स तक थी तो ये तो n टर्म्स तक जाएगा, और इनटू r का वैल्यू कितना जा रहा है इसको 1+2+3 एंड सो ऑन अप टू, इसने जाना है n माइनस वन तक। अब समझ गए आप कि हम यहाँ पे इस माइनस वन को इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि इसका रीजन है कि ये जो r की पावर है ये कहां तक ऐड होंगी, मतलब r ने कहां तक मल्टीप्लाई होना है, r ने टोटल मल्टीप्लाई होना है n टर्म्स तो दे रखा था कि n टर्म्स तक मल्टीप्लाई होना है, तो n टर्म्स के लिए r का वैल्यू एक जस्ट कम पावर तक ही मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि r का वैल्यू अगर n तक मल्टीप्लाई होना है तो आखिरी टर्म r की क्या होगी, n माइनस वन। अगर ये वैल्यू हमने 4 तक खींची थी तो इसकी r की आखिरी वैल्यू कितनी थी 3। देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे देखिए आखिरी टर्म क्या है 1 2 3 4 है, तो r की वैल्यू कहां तक जा रही है 3 तक। अगर तो r अगर यहां n तक खींच रहा है तो वैल्यू क्या होगी n माइनस वन। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब a का पावर 1+1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक, तो बच्चे अगर 1 को आप n टर्म्स तक जोड़ेंगे तो उसका सम n ही आता है। कैसे, इसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1+1+1+1 एंड सो ऑन, इसमें n बाई टू, n का वैल्यू तो n ही है यहाँ पे, n बाई टू, 2 इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 1-1 0, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2+0, तो 2 से 2 गया तो कितना बच रहा है केवल n, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं कि 1+1+ एंड सो ऑन प्रूव कर n टर्म्स तक करते हैं तो उसका सम कितना आता है n आता है, मल्टीप्लाई बाय r का वैल्यू। देखिए 1+2+3 अगर आप फिर से यहाँ पे वो रखेंगे, यही वैल्यू रखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो ये आ जाएगा n अपॉन 2, तो n की जगह पे n तो है नहीं, n माइनस वन है, अपॉन 2, 2 इंटू ए प्लस n माइनस वन, तो n की जगह पे तो आपको क्या रखना है n माइनस वन माइनस वन इंटू डी कितना है 2-1 1, ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा n माइनस वन अपॉन 2, 2 प्लस n माइनस 2, तो 2 से 2 गया कितना बच रहा है यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2, तो इसका सम कितना आ जाएगा r टू दी पावर n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2। अब ये बच्चे अगर आपको पूछेगा नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला भी है ये, अगर
वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन अप टू, आपको एन टर्म्स तक सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो यहां से भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप इस प्रॉपर वे में करेंगे तो भी आपको ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से सारा काम हमारा हो जाएगा। तो ये कैसे आएगा, एन की जगह पे आपने एन माइनस वन रखना था तो यही वैल्यू आपका बनेगा। तो आप यहां से भी कर सकते हैं और इस जेन्युइन तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, आर की पावर भी एन ये आ गया और ए की पावर भी हमारा ये बन गया सामने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमसे बोला था कि आपको प्रूव करना है, ये था क्या, ये जो क्वेश्चन कहा गया था कि ये तो पी के बराबर था ना, सारा मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा था, पी, यहां पे लिख देते हैं, ये पी के बराबर था। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको प्रूव करना है कि पी स्क्वायर अगर आप करें तो वो ए इंटू बी टू दी पावर एन बनता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे पी को स्क्वायर कर देते हैं, तो ए टू दी पावर एन इंटू आर टू दी पावर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ए टू दी पावर टू एन इंटू आर टू दी पावर टू एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, टू से टू गया तो यार ए टू दी पावर टू एन इंटू आर टू दी पावर एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ ये वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू कितना था, ए था, तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए टू दी पावर, ए टू दी पावर टू एन है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर एन। देखिए हमने इसको ये हमने पढ़ा था ना कि बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो एन प्लस एन करके ही तो टू एन आया होगा, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया दो में, है ना। और यहाँ पर आर टू दी पावर एन इंटू एन माइनस वन एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए ए टू दी पावर एन, इसको अगर हम यहां पे देखें, ये देखिए ए हमें क्या प्रूफ करना है, ए इंटू बी टू दी होल पावर एन। अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहां से थोड़ा सा, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ ए टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर एन। और अगर मैं यहां पे ए की जगह पे, हमें पहले ही दिया गया था कि ए की जगह पे क्या है ए, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ ए टू दी पावर एन, है कि नहीं है। ए की जगह पर अगर मैं वैल्यू प्लेस कर दूं तो ये ए जो था वो ए के बराबर था, तो मैंने ए की जगह पे ए रख दिया, तो ए की पावर एन तो हमारा आ गया इंटू ए। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखिए मैंने ए का एन भी बाहर ले लिया और आर का एन भी बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ये ए इंटू आर टू दी होल पावर एन माइनस वन, ध्यान से देखिए ए इंटू आर टू दी होल पावर एन माइनस, ओ सॉरी, ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन, होल पावर नहीं है, ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये किसके बराबर था, बी के बराबर था, तो ये बी की पावर भी क्या बन गया एन। तो देखिए इसको कंक्लूड करके लिखते हैं, ए इंटू बी टू दी होल पावर एन इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, ए इंटू बी टू दी होल पावर एन, हमने प्रूफ कर। ओके तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन 23 भी हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 और उससे आगे। थैंक यू।